मैंने राजू से उनकी उम्र पूछी थी कि अभी तुम कितने साल के हुए, तो उन्होंने एक बड़े अजीब से लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि मैं अभी सेक्सी वन हुआ हूँ। तो अभी तक मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये एज है कितनी, अगर आप लोगों को इसका मतलब पता चले तो मुझे बता देना। थैंक यू राजू, थैंक यू वेरी वेरी मच, आई एम कंग्रेचुलेटिंग यू फॉर एवरीथिंग, थैंक्स। इस तरह से फिल्में शुरू होना बहुत अच्छा लगता है। कई लोग कई फिल्में बना रहे हैं मगर जिस तरह से नाम रखा है, जिस तरह से जिस जोश से वो लोग करना चाहते हैं, सर दिल से मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। एंड राजू जी के बारे में मैं जो कुछ भी कहूँगा बहुत कम होगा। इज अ ग्रेट पर्सन एंड वेरी हार्ड वर्किंग, अभी भी इतनी मेहनत से काम करते हैं। उनके भी ड्रीम्स मुझे बहुत सारे पता हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि इनके हर एक ख्वाब पूरा हो। विश यू ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी, टेक केयर। राजू गारी जी के बंदे के लिए मुझे पता था कि यह फिल्म में म्यूजिकल लॉन्च है, बट आई एम हैप्पी कि एक फिल्म का म्यूजिकल लॉन्च हुआ है और उसमें मैं आप आया उसके साथ मेरी शुभकामनाएं के साथ में। क्या कह सकता हूँ कि आगे भी इसी तरह हेल्दी रहे, वेरी वेरी हैप्पी टू मीट। इनका पर्सनल टच जो है एक इंसान के साथ में ये जो बॉन्डिंग बनाते हैं वो PR एजेंसी में शायद इतना कम थोड़ा कम हो पाता है, जो ये कर पाते हैं व्यक्तिगत रूप से मैन टू मैन जो इनकी बातचीत होती है, जो संबंध होते हैं, ये उसको ये की खासियत है। कंग्रेचुलेशंस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। फिल्म कंप्लीट है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत चले, ऑडियंस को पसंद आए, और जो फिल्म का जिसका मुहूर्त आज कर रहे हैं उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छी बने, अच्छी फिल्म बने और स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए लगी क्योंकि इसमें बहुत सारे इमोशन थे। जो मेरा किरदार है वो काफ़ी प्यारा लगा मुझे, बिकॉज यू नो ही इज़ द दमाद एंड बहुत सारी चीज़ें होगी उसके अंदर, एक लवर बॉय किरदार भी प्ले करेगा, प्लस थोड़ी सी नेगेटिव टच भी होगी। सो अलग डिफरेंट टाइप ऑफ लव स्टोरी है, माइनस वर्क ये फिल्म कर रही है और बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि जो स्टोरी है वो बहुत ही अलग है और बहुत रियलिस्टिक है, उसमें ज़्यादा ये फिल्म भी ज़्यादा चलेगी। लड़का है जो बाहर से आता है एंड फोर्सेस ऑफ इंसान Well, my role is of this a touch of a Pakistani guy who's madly in love with this girl. जो प्यार कभी कभी एक obsession भी बन जाता है अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो it's a touch of that as well. पर वो दिल का बहुत साफ है और बहुत ही प्यारा लड़का है, and I'm sure everybody would like him.